हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में मैं आपको जो सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं, या जिसे आप ऑक्सी एसिड्स भी बोलते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को कैसे याद किया जाए, कैसे लिखा जाए, उसकी एक ट्रिक बताने वाला हूँ। और गाइस बिलीव मी, ये बहुत हेल्प करेगी आपको इस ट्रिक को। टोटल 11-12 जो कॉमन ऑक्सी एसिड्स हैं सल्फर के, उनका अगर स्ट्रक्चर या कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आया कि जिसमें स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, सो आपको बहुत हेल्प करेगी ट्रिक। ओके सो बेसिकली गाइज, ये ट्रिक इस हिसाब से है कि आपको सबसे पहले H2SO4 और H2S2O6 इनका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगर इनका याद भी नहीं आपको, इसकी वीडियो के एंड में इनके स्ट्रक्चर को कैसे याद किया जाए वो मैं आपको उसकी अलग ट्रिक बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये दोनों के स्ट्रक्चर याद हो गए तो आप सबके स्ट्रक्चर्स याद कर सकते हैं। ओके सो H2SO4 और H2S2O6 तो ये हो गए। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं और मैं क्वेश्चंस कराते कराते को ट्रिक बताता जाऊंगा, ठीक है। तो क्या है, H2SO4 और H2S2O6 के बाद अगला एग्जाम्पल है H2S2O7। नाउ H2S2O7 अगर आप गौर से देखें तो H2S2O6 प्लस O दिख रहा है, राइट गाइज, एक O हो गया। सो नियरेस्ट मैंने स्ट्रक्चर देखा। आपको देखना क्या है बेसिकली गाइज, कि जो आपका कंपाउंड दिया गया है उसमें एक सल्फर है या दो सल्फर है, राइट गाइज, आपको ये देखना है। नाउ अगर ये देखा आपने H2S2O6, तो O ऐड किया, ये आपका H2S2O6 का स्ट्रक्चर है। सो आपने क्या किया, एक O घुसाना है। एक O कहां से घुसाएंगे, एक O इस तरह करना है कि सिमेट्रिकली घुसाना है इसमें, राइट गाइज। तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए गाइज, ये आपको सिली ट्रिक लग सकती है लेकिन ये बहुत काम आएगी आपको। मुझे एक O डालना है तो मैं क्या करूंगा, एक बिल्कुल सिमेट्री में बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा और एक ओ इंसर्ट कर दूंगा। सो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया, इस तरह से। और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, H2S2O6। सिमिलरली अगर आप H2S2O8 का देखना चाहते हैं तो अगेन क्या होगा, देखिए सिमिलरली H2S2O6 में आपको दो ओ जोड़ने हैं, राइट। सो H2S2O6 का अगेन वही स्ट्रक्चर है आपका। अब आपको इसमें क्या करें, दो ओ इंसर्ट करने हैं, दो ओ इंसर्ट करने हैं। सिमिलरली बॉन्ड ब्रेक करिए, दो ओ जोड़ दीजिए, राइट। सो ये हो गया ओ, एस डबल बॉन्ड ओ एच एंड ओ एच, राइट गाइज। सो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगेन एक एग्जाम्पल और देखिए, राइट। नाउ देखिए गाइज, H2S2O5 और H2S2O4, अगर आप इनको H2S2O6 से कंपेयर करें, तो अब तक जो आपने दो पिछले एग्जाम्पल देखे थे उसमें O ऐड किया था, तो बॉन्ड ब्रेक किया, दो O ऐड कर दिए। इसमें आपको ऑक्सीजन हटाने हैं, इसमें क्या करना है, एक ऑक्सीजन माइनस करना है, राइट, और इसमें दो ऑक्सीजन माइनस करने हैं। सो ये ट्रिक इस हिसाब से गाइस, सबसे पहले मैं H2S2O6 का स्ट्रक्चर बना लेता हूं। अब क्या करना है, जब आप देखें कि ये अगर ओड है, अगर ये ओड है तो सारे ओ एक ही एस से हटेंगे, और अगर ये इवन है तो ऑक्सीजन दोनों सल्फर से हटाएंगे सिमेट्रिकली। कैसे, अब देखिए, फिलहाल तो इस स्ट्रक्चर में आपको एक ऑक्सीजन हटाना है, तो आपने क्या किया, वो एक ओ हटाना है, तो कोई सा भी ओ हटा दीजिए, डबल बॉन्ड ओ वाला हटेगा, सिंपल। इसे हटाएंगे तो ओ एच हट जाएगा, इसको ओ को हटा दीजिए, वो स्ट्रक्चर ये किसका बन गया, H2SO5 का। इसमें दो ऑक्सीजन हटाने हैं, राइट। सो मैं क्या करूंगा, एक और इवेन है क्योंकि, तो दोनों सल्फर्स हो जाएगा। सो मैंने क्या किया, एक तो ये ओ हटा दिया, अब एक ओ और हटाना है, तो क्योंकि इवेन था मैंने कहा इसके इससे हटा दीजिए, तो जो ये स्ट्रक्चर बना ये H2SO4 का हो गया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखिए, इसमें अगेन आप उससे कंपेयर करें H2S2O6, तो आपको कितने टोटल चार ऑक्सीजन इसमें से माइनस करने, तब आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा। सो पहले H2S2O6 का स्ट्रक्चर बना लीजिए। नाउ अब ये देखिए, ये क्या है, इविन, तो इविन है तो मुझे चार ओ हटाने, तो सिमेट्रिक हटा दूंगा, एक यहां से ओ हटा दिया, एक यहां से ओ हटा दिया, राइट। सिमिलरली एक ओ यहां से हटा दिया, तीन हट गए, एक चार ओ हटाने, एक ओ यहां से हटा दिया, तो क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर आपका H2S2O2 का हो गया, राइट गाइज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन के। देखिए अब अगेन आपने देखा H2SO5, यानी एक सल्फर है, तो मैं कंपेयर किससे करूंगा, H2SO4 से, यानी इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड हो रहा है। सिमिलरली जैसे हमने बॉन्ड को ब्रेक करके
उसमें ओ घुसा दिया था H2S2O6 में, सिमिलरली इसमें होगा। अब कैसे होगा देखिए, H2SO4 का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब उसमें तो हमने अब देखिए उसमें तो क्या किया था, सिमेट्रिक था, बॉन्ड ब्रेक किया, ओ घुसा दिया, लेकिन इस केस में सिमेट्री नहीं है, राइट, आई मीन बॉन्ड्स के बीच में। सो क्या होगा, कोई सा भी एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, राइट, सिग्मा बॉन्ड ही टूटेंगे, राइट, ये बॉन्ड तोड़ दीजिए और ओ इंसर्ट कर दीजिए, सिमिलर। तो क्या होगा, अब देखिएगा गाइस, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी थोड़ी सी, तो आप स्ट्रक्चर्स आराम से बना पाएंगे ये, राइट। ये बन गया आपका सिमिलरली। एक एग्जाम्पल और देखिए ऐसा ही, H2SO3, अगेन पहले तो आप H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें एक ओ माइनस कर देंगे, यानी H2SO4 का ये स्ट्रक्चर हुआ, एक ओ माइनस करना है तो एक ओ माइनस कर दीजिए, ये हटा दीजिए, तो आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये वाला H2SO3 का, राइट गाइज। बहुत इजी लग रहा होगा यूएस आपको। अब अगेन सिमिलरली H2SO2 का बनाइए, क्या होगा, H2SO4 से कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो मुझको 2O माइनस करना है, तो H2SO4 का जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस तरह से, तो मुझे दो ऑक्सीजन माइनस करने हैं, तो दो ऑक्सीजन कैसे माइनस कर दूंगा, तो ये ऑक्सीजन माइनस कर दिया, राइट, OH वाले नहीं करने हैं, ये ऑक्सीजन माइनस कर दिया, तो क्या बन गया स्ट्रक्चर इस तरह से, राइट गाइज। सो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका H2SO2 का, राइट। अब देखिए गाइज, H2S2O3 का स्ट्रक्चर, नाउ ये मैंने एंड में इसलिए बताया गाइज, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, आपको दोनों मेथड में से जो सा याद रह जाए वो कर ले, मेथड दोनों सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा एक मेथड थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। कैसे देखिए, अगर मैं सिंपल H2S2O6 से कंपेयर करके बनाऊं, तो देखिए कैसे बनेगा, पहले तो मैं H2S2O6 का स्ट्रक्चर बना लेता हूं, जो कि कुछ इस तरह से बनेगा। अब मैंने देखा मुझको 3O- करने हैं, या लेकिन ये ओड है तो एक सल्फर से ही हटेगा, तो क्या किया, एक ओ हटा दिया, दो ओ हटा दिए, अब देखिए तीसरा ओ हटाना था मुझे, लेकिन यहां OH है, तो लेकिन क्योंकि मुझे ये एक ही सल्फर से ऑक्सीजन हटाने हैं, तो मैं फिर भी आंख बंद करके इसको हटा दूंगा, राइट गाइस। आपने इस तरह कर लिया इसको, अब क्या होगा, देखिए एस इन स्ट्रक्चर्स में कभी भी, स्पेशली जो सल्फर के ऑक्सी एसिड्स हैं, सल्फर के साथ डायरेक्ट एच नहीं होगा, तो क्या करेंगे, देखिए आप, आपको मैंने वही कहा था, थोड़ा सा याद रखना है, नहीं तो दूसरी ट्रिक जो इसकी है वो ज्यादा आसान है। इसमें क्या होगा, एक एच को मैंने इधर माइग्रेट कर दिया और ये डबल बोन को इधर माइग्रेट कर दिया, बस ये आपको ये याद रखना है, राइट। तो देखिए डबल बोन्ड एस, और ये क्या हो गया, यहां से हटकर इधर आ गया आपका ओ आ गया था, तो सिंगल बोन्ड ओ एच, तो ये आपका है H2S2O3 का स्ट्रक्चर। इसको आप एक तरह से और कर सकते हैं कि H2S2O3 को एक सल्फर को आप ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दें, राइट, तो क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, एक ऑक्स सल्फर को इधर ला दिया आपने। अब क्या करें, H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाए, राइट, कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच। अब क्या करें, आपने क्योंकि एक सल्फर को ऑक्सीजन मान लिया था, अब अगेन वापस उस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दे सल्फर से, सो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, राइट गाइस। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरह से आपको बनाना है। इस वीडियो को अगर आपको दोबारा देखें, थोड़ा और समझें, आसानी हो जाएगी। नाउ जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि H2SO4 और H2S2O6 का स्ट्रक्चर अगर याद करना है तो कैसे करें, देखिए एस के साथ पहले डबल बॉन्ड, जब भी ऑक्सी एसिड्स बनाएंगे, अगर आपने मेरी फॉस्फोरस की वीडियो देखी होगी, तो आप कैसे करें, एच मेरे पास दो हैं, सल्फर एक है और ऑक्सीजन 1 2 3 4 है। इन स्ट्रक्चर्स में हमेशा क्या करें, एस डबल बॉन्ड ओ जरूर बनाएं सबसे पहले। सिमिलरली इसमें क्या है, एस दो है, एच टू है और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 है। सिमिल जैसे मैंने बताया, एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ बना ले, इधर है जैसे दो एस है, नाउ एस एग्जोस्ट हो गया इसमें, इसे कैंसिल कर दें, एक ओ एग्जोस्ट हो गया, इसे भी कैंसिल कर देता हूं। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं, एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, ये एग्जोस्ट हो गए। जब ये एग्जोस्ट हो जाएं, अब सबसे पहले एच को एग्जोस्ट करें, समझ गए आप कैसे, देखिए ओ इसे ओ एच यानी ओ एच, फिर देखा एक एच हो रहा है तो यानी ओ एच ओ एच, अब एक ओ बच गया, उसको डबल बॉन्ड से लगा सकते हैं आप,
ऐसे आपको स्ट्रक्चर याद कर लेना है। सिमिलरली जब आप इसका देखते हैं तो ये सिमेट्री चल रही है, इसमें सिमेट्री के लिए करना है। तो अब क्या होगा, देखिए एस डबल बॉन्ड ओ हो गया, अभी एच को एग्जोस्ट करना है, यानी ओ एच ओ एच जोड़ दिया। अगेन देखा एक एच और है, तो यानी ओ एच मैंने इधर सिमेट्री के लिए इधर ओ एच जोड़ दिया। नाउ अब ये दो ओ बचे, अब इन दो को ओ को कैसे एग्जोस्ट करेंगे, सिमेट्री यानी ए दो ओ यहां पर, राइट गाइज। अब क्या बचा, इन दोनों को जोड़ना है, एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, तो ये हो गया H2S2O6 का। इसी तरह से अगर आपको किसी का बनाना है, इनका ड्रॉ करें राइट, और O घुसा दें, S घुसा दें, माइनस कर दें, तो इस तरह से आपकी जो ये ट्रिक है इस तरह से काम करती है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, राइट गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।